सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा में। तो हमने क्या देखा है, गांधी जी के निस्वार्थ जीवन यह पाठ हमने देखा है। सो उसके तीन प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे हैं। तो अभी क्या देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या है, गांधी जी ने उसको क्या उत्तर दिया, मतलब क्या उत्तर दिया, मतलब क्या। एक युवक ने देखा था ना कि उन्होंने एक चप्पल, गांधी जी की एक चप्पल रेलगाड़ी के नीचे गिर गई थी। सो उसी जगह उन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने अपनी दूसरी चप्पल भी फेंक दी। क्यों? क्योंकि किसी एक को एक ही चप्पल मिलने के बजाय दोनों चप्पल मिले तो उसको उसका फायदा होगा, और एक ही चप्पल रखकर गांधी जी क्या कर सकते थे, है कि नहीं। सो इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी चप्पल भी फेंक दी थी। सो इस एक युवक ने, उनके साथ यात्रा करने वाले युवक ने भी क्या पूछा था कि गांधी जी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा पूछा था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं एक चप्पल का लेकर क्या करूंगा और दूसरे व्यक्ति को एक ही चप्पल मिली तो वह उस अकेले चप्पल का क्या करेगा। इसके लिए किसी एक को दोनों चप्पल किसी गरीब व्यक्ति को अगर मिल जाए तो वो अच्छा होगा, वो दोनों चप्पल पहन के घूमने लगा। इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी चप्पल भी फेंक दी। तो अभी चौथा प्रश्न है क्या है, गांधी जी ने उसको क्या उत्तर दिया, गांधी जी ने क्या उत्तर दिया। गांधी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि किसी निर्धन व्यक्ति को एक चप्पल मिलती तो वह क्या करता, इधर मैं इस अकेली चप्पल को रखकर क्या करता, जिसे जिसे भी मिले तो दोनों चप्पल मिले, जिसे भी मिले तो दोनों चप्पल मिले। इसीलिए उन्होंने दूसरी चप्पल भी फेंक दी, ऐसा कहा। तो उत्तर लिखेंगे, गांधी जी ने उत्तर, गांधी जी ने उस व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति से कहा यदि किसी निर्धन व्यक्ति को यदि किसी निर्धन व्यक्ति को मिलती तो वह क्या करता, वह क्या करता, इधर इस आगे चप्पल का अकेली चप्पल का मैं क्या करता, इस इधर अकेली चप्पल को अकेली चप्पल का मैं क्या करता, जिसे भी मिले तो दोनों चप्पल ले, जिसे भी
दोनों दोनों चप्पल मिले, दोनों चप्पल मिले, इसीलिए मैंने दूसरी चप्पल फेंक दी। इसलिए मैंने दूसरी चप्पल फेंक दी। देखो कितना बड़ा उत्तर है, क्या है, गांधी जी ने उसको क्या उत्तर दिया। उत्तर क्या है, गांधी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि किसी निर्धन व्यक्ति को एक चप्पल मिलती तो वह उसका क्या करता, इधर इस अकेले चप्पल का मैं क्या करता, जिसे भी मिले तो दोनों चप्पल मिले, इसीलिए मैंने दूसरी चप्पल फेंक दी। तो यह उत्तर है। दूसरा है, गांधी जी को युगो युगों का महान व्यक्ति क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। गांधी जी प्रेम और अहिंसा प्रेम अहिंसा और बंधुत्व के आदर्शों से काम करके हमारे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए नेतृत्व किया था, इसलिए उन्होंने उन्हें युगो युगों का महान व्यक्ति कहा जाता है। तो उत्तर है, गांधी जी ने उत्तर गांधी जी ने बंधुत्व के आदर्शों से काम करके हमारे भारत देश को मुक्त करने के लिए नेतृत्व किया था। इसलिए युगों का
कहा जाता है, कहा जाता है। तो देखिए कितने बड़े बड़े अक्षर है, तो ये आपको क्या करने हैं, दूसरे करके रखने हैं। तीसरा है, गांधी जी को अपने देश में किस प्रकार के राज्य की स्थापना, गांधी जी अपने देश में किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते थे और क्यों, किस प्रकार के राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उत्तर क्या है, उत्तर गांधी जी अपने देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि राम राज्य के समय समस्त प्रजा ईमानदारी से रहती थी आनंदी और सुखी, आनंदी और ईमानदारी से रहती थी। भेदभाव लड़ाई झगड़ा नहीं था, भेदभाव लड़ाई झगड़ा नहीं था। लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब व्यक्ति परिश्रम करने में विश्वास रखते थे, विश्वास रखते थे। तो ये उसका उत्तर, देखो क्या है, गांधी जी अपने देश में किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते थे और क्यों, क्या उत्तर, गांधी जी अपने देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे क्योंकि राम राज्य के समय समस्त प्रजा
परिश्रम करने में विश्वास रखते थे। हाँ, तो यह है उसका उत्तर। इसलिए गांधी जी रामराज की स्थापना करना चाहते थे। ओके, तो ये तीसरा प्रश्न क्या करना है आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो ये है आपका इसका क्लास वन। हाँ, और होमवर्क क्या करना है इसका ही लिखना है। होमवर्क वन टाइम, होमवर्क क्या है वन टाइम लिखना है। ओके, तो आज के लिए ये तीन प्रश्न काफी है। आगे की जो है वो बहुत जरूरी है, प्रश्न वगैरह करी कितने किसे कहा और जो भी नीचे के रहे वो विकल्प के प्रश्न भाषा ज्ञान कौशल क्या है वह हम कल की क्लास से देखेंगे। ओके, सो धन्यवाद।